हेलो एवरीवन आउट देयर, माय नेम इज सुशील जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनी प्लान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन द डेरिवेटिव मार्केट। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद दैट वीडियो। नाउ इन दिस वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक्स फॉर इंक्लूजन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हमने पढ़ लिया कि डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है, हमने उसके इंडेक्स जो फ्यूचर ऑप्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक को अगर हमें डेरिवेटिव सेगमेंट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर इंक्लूड करवाना है तो उसके लिए क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, इस वीडियो में हम वही जानने की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम जो स्टॉक को चूज करेंगे वो टॉप 500 स्टॉक्स में से आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप एंड इट्स ट्रेडेड वैल्यू। ये हमारा होगा पहला पॉइंट फॉर सिलेक्शन। सेकंड हमारा पॉइंट क्या होगा, जो स्टॉक का MQSOS है यानी मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज वो उसका 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ये किसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जब हम रेशियोज और बाकी चीजें टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर MQSOS एक चीज आती है, उसके अंदर ये उसका 25 लाख से कम का नहीं होना चाहिए, इसकी मिनिमम लिमिट है। थर्ड पॉइंट अगर हम देख के चले तो उसका MWPL यानी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का जो वैल्यू है उसका वो 500 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करके चले तो उसका जो एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू है कैश मार्केट में वो हमारी 10 करोड़ से कम की नहीं होनी चाहिए। इन सब फैक्टर्स को बेसिकली इसलिए चूज किया गया है ताकि स्टॉक्स में डेरिवेटिव में जो इंक्लूड होंगे उनमें लिक्विडिटी भरपूर है। So, ये क्राइटेरिया था कि किसी भी स्टॉक को अगर हमें डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉन्च करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये आपके सामने मैंने पेश कर दी है। सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप सबका कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस डाउट को जरूर कोशिश जरूर सॉल्व करने की अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मनी प्लांट फॉर अपकमिंग वीडियोस रिलेटेड टू फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच।